अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, नहीं अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल कमेंट में कोई मुझे नहीं मैसेज आया आप लोगों की तरफ से। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसे की पट्टियाँ। आप देख लें, पहले मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी है। अब आप नेक्स्ट स्टेप देख लें। पहले हमने आटा लेना है, उसमें नॉर्मल पानी से गूंद लेना है। और नॉर्मल आटा लिया है मैंने, कोई वाइट आटा नहीं लिया, कोई और कुछ मैदा शैदा कुछ नहीं लिया, ठीक है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बना लिए हैं, चार। अब हमने उसकी छोटी छोटी रोटियाँ बना ली हैं, बहुत बड़ी नहीं है ये, छोटी छोटी आपके एक हाथ के बराबर होंगी, इतनी चौड़ाई होगी इसकी। अब पहले हमने ब्रश से अच्छे से इस पूरी रोटी के कॉर्नर्स पे हर जगह पे ऑयल लगा लेना है। देखें कॉर्नर्स पे हर जगह पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर खुश्क आटा डाल देंगे। खुश्क आटा जो हमारे पास होता है नॉर्मल, वही लगा लिया हमने कॉर्नर्स पे अच्छे से, सारे में हर तरफ से। इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल दी, बिल्कुल इक्वल करके, कॉर्नर से बिल्कुल बराबर करके। अब फिर से ऊपर ऑयल डाला और उसको ब्रश की मदद से बहुत अच्छे से कॉर्नर्स पे हर जगह पे लगा दिया। अच्छे से लगाएंगे ताकि ये रोटी इसके ऊपर से उतर सके। हम सिर्फ आटा और ये ऑयलिंग इसलिए कर रहे हैं कि ये आपस में रोटियां चिपके ना, कि जब पकेंगी तवे पे तो आपस से उतर जाएंगे बिल्कुल ईजीली एक दूसरे पे से। अच्छा, अगर आपको मेरा ये पराठे वाला स्टाइल, ये रोटी वाला स्टाइल पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको लच्छेदार पराठे ही बनाना सिखाऊंगी जिसमें ऐसे लाइंस आ रही होती हैं, कि हाँ जब हम पराठा तोड़ते हैं तो उसमें लाइंस होती हैं। इंशाल्लाह आप कमेंट में मुझे बताइएगा तो मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट रोटी को भी हमने इस तरह से लगा लिया, ऊपर से ऑयल लगा लिया कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से। और आटा भी हम सारे चारों तरफ इसको बहुत अच्छे से डाल देंगे, खुश्क आटा। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट रोटी इसी तरह से रख दी। दूसरी जो लास्ट वाली रोटी होगी उसके ऊपर हम ऑयल कुछ नहीं लगाएंगे। अब ये नेक्स्ट नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं नहीं। अभी अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे तो स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोगों को मुझे लाइक एंड सपोर्ट करना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ भी बना सकूँ। और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। देखें, अब ये पाँच की पाँच रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर हैं और बहुत अच्छे से इसको हम बेलेंगे, बहुत ज़ोर से नहीं कि वो आपस में चिपक जाएँ। अब ये रोटियाँ आपस में इस तरह से एक एक करके हम इस पे से उतार लेंगे, पर कॉर्नर्स पे से उतारेंगे हम, फौरन बीच में से नहीं उतारेंगे वरना टूट जाएगी रोटी। एक साइड से गर्म हो गई अच्छे से, हमें लगा कि कच्ची नहीं है, अब उनको खोलते जाएंगे इस तरह सारी रोटियाँ खोल लेंगे। थैंक यू सो मच।